वो देखिए कैसे लोग बनाते हैं टेम्परेचर स्केल के वहां पर। जब हम टेम्परेचर स्केल ही नहीं दुनिया का कोई भी स्केल अगर हम बनाने जाएंगे तो हमें दो बातें तो करना ही पड़ेगी। एक बात क्या कि उसकी जो फिक्स पॉइंट है उसके उसमें क्या होंगे, टू फिक्स पॉइंट होंगे। टू फिक्स पॉइंट होंगे कौन कौन सा भाई फिक्स पॉइंट? पहला जो पॉइंट होगा वो होगा लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। और दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर के लिए तो टेम्परेचर के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा ध्यान दें, टेम्परेचर केस में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइस पॉइंट बोलते हैं, राइट। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टील पॉइंट। तो ये चीजें तो अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि जब कोई भी स्केल हमें डिजाइन करना है तो ये दो बातें हमें पता होना चाहिए, दो फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक कोई स्केल डिजाइन करता हूँ, जैसे कोई स्केल है तो स्केल यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ जाता है ना, ठीक है। तो ये इसका ये जो पॉइंट हो क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट है, और ये जो होता है ये क्या है, अपर फिक्स पॉइंट होता है। इसी से हम इसी के बेस पे हम किसी भी स्केल को डिजाइन कर पाते हैं। अब जब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की, तो टेम्परेचर स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं आइस पॉइंट। और जो हमारा अपर फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टील पॉइंट, राइट। तो ये दो पॉइंट है, इसके पॉइंट के बारे में जानना होगा तभी हम टेम्परेचर स्केल को डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि टेम्परेचर स्केल कितने तरह का होता है और इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, और एक स्केल से दूसरे स्केल में हम जाते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। अगर सेल्सियस स्केल है उसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी बातें करते हैं। पहले इसको नोट करें और फिर हम लोग बात करते हैं आगे, है ना। चलिए अच्छा एक बात और जान लें कि जितने भी हमारे स्केल होते हैं ना, अगर मुझे टेम्परेचर रीडिंग लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर रीडिंग ले लिया, ठीक है, जिसमें लेना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में लेना चाहे तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में लेना चाहे तो केल्विन में, अगर मैं फारेनहाइट में लेना चाहता हूं तो फारेनहाइट में। तो टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय कितना, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉन्स्टेंट। तो ऐसे हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी टेम्परेचर स्केल की हम लोग रीडिंग ले पाते हैं, राइट। चलिए इसको बना लीजिए और इसको लिख लीजिए, है ना। टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है, उसमें लोअर फिक्स पॉइंट घटा है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स और कितना पॉइंट इक्वल टू कितना कॉन्स्टेंट, ये बात अपने को पता होना चाहिए। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है और टेम्परेचर स्केल को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। चलिए ये बात अपने को पता चला गया, ठीक है, ओके। ताकि अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो टेम्परेचर रीडिंग लेना हो जिस जिस स्केल पे, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट करके हम लोग निकालते हैं। चलिए तो ये इतने टाइप ऑफ हमारे टेम्परेचर स्केल होते हैं, कौन कौन सा भाई, सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, और सेल्सियस टाइप ऑफ हमारे टेम्परेचर स्केल कौन कौन सा देख लेते हैं जरा। ये हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा केल्विन स्केल, तीसरा फारेनहाइट स्केल, चौथा जो है रिमर स्केल और पांचवा जो है रैंकाइन स्केल। और सबसे पहले देखते हैं कि सबके सिंबल क्या होते हैं और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। लोअर फिक्स पॉइंट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये सारी बातें देखते हैं कि भाई लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सिंबल क्या है। हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ा ही है कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, केल्विन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, फारेनहाइट को हम डिग्री फारेनहाइट दिखाते हैं। और जो आपके लिए दूसरी बात है कि रिमर स्केल क्या होता है ना, तो रिमर स्केल के लिए देखिए क्या लिखते हैं, डिग्री आर लिखते हैं और रैंकाइन के लिए आर लिखते हैं, है ना। ये बातें हम लोग लिखते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जितने पांच स्केल हैं इन पांचों स्केल के लिए कि लोअर फिक्स पॉइंट क्या है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं लोअर फिक्स पॉइंट क्या है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है। तो चलिए भाई लोअर फिक्स पॉइंट की बात करते हैं और फिर बात करते हैं अपर फिक्स पॉइंट की।
तो देखिए जरा लोअर फिक्स पॉइंट क्या है। जब सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0। और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 100, है ना? 100। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 273। और अपर फिक्स पॉइंट 373। फॉरेनहाइट के लिए क्या होता है? 32 और 212, है ना? ये चीजें हम लोग पहले से जानते हुए चले आ रहे हैं। अब इनकी बात करेंगे, ये 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 80 होता है। और आगे देखिए जो रैंकाइन स्केल है उसके लिए क्या होता है भाई? 460 से लेकर के 460 से लेकर के 672 होता है, है ना? तो ये इतने फिक्स पॉइंट है, 460 और 672, है ना? और क्या क्या है भाई? 80 है और 0 और कितना है? 80, 32 और 212, है ना? इसको जल्दी से नोट करते चलिए ताकि हम आगे जो है कैसे स्केल को डिजाइन करते हैं ये थोड़ा करके देख लें, फॉर्मूला क्या होता है इसको भी देख लें, राइट? तो ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अब अगर मान लीजिए मैं स्केल डिजाइन करना चाहता हूं, तो हमने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मूला होता क्या था, ये रीडिंग, रीडिंग की बात कर रहे थे, किस स्केल पर हम रीडिंग ले रहे हैं, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय कितना अपर फिक्स पॉइंट माइनस कितना लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कितना कॉन्स्टेंट, ये बात हम लोगों ने राइट। अब हम क्या करें, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस रखना चाहे तो माइनस कितना लिखेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट कितना था इसके 0 था, बाय के अपर फिक्स पॉइंट कितना था 100 माइनस 0 इक्वल टू कितना कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैं केल्विन के लिए लिखना चाहूं तो के माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 और यहां पे कितना अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस कितना 273 इक्वल टू कितना कॉन्स्टेंट। अगर मान लीजिए मैं फॉरेनहाइट की बात करूं तो एफ माइनस कितना 32 बाय कितना 212 माइनस कितना 32 इक्वल टू कितना कॉन्स्टेंट। अगर मैं रिवर स्केल की बात करूं तो डिग्री नंबर माइनस कितना 0 बाय कितना 80 माइनस कितना 0 इक्वल टू कितना आएगा भाई कॉन्स्टेंट आएगा। नेक्स्ट अगर रैंकाइन स्केल की मैं बात करूं तो भी क्या हो जाएगा भाई, ये रैंकाइन स्केल के लिए बात करना चाहता हूं, यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है 460, अपर कितना है 672 माइनस कितना 460, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा और ये किसके बराबर है, ये हमारा कांस्टेंट के बराबर है, ओके? अब अगर मान लीजिए मुझे एक एक फॉर्मूला बनाना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए डिग्री सेल्सियस बाय कितना 100 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं के माइनस 273 बाई कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो मेरे ख्याल से आएगा 180, कितना आ रहा है, नहीं सॉरी 100, ये कितना आ रहा है, ये एक मिनट रुक जाए जरा, ये कितना आएगा 100, ठीक है, ये आएगा कितना 100 इक्वल टू कितना भाई, अगर मैं फॉरेनहाइट की बात करूं तो एफ माइनस कितना 32 बाई कितना आ जाएगा, इसको घटाइए कितना आ जाएगा 180 इक्वल टू कितना, अगर मैं रैंक टाइम की बात करूं तो रैंक टाइम के लिए क्या लिखेंगे, डिग्री रैंक है बाई कितना 80 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी रिवर के लिए रखना हम लोग, अब रैंक टाइम के लिए तो आर ए माइनस कितना 460 बाई कितना इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा ये 2 और कितना आया 1 और कितना आया 2। तो ये फार्मूला हमारे सामने बन के आ जाता है, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर फार्मूले को भी हम एक बार देख लेते हैं कि फार्मूला होता कैसे, कैसे बनाते हो, किसकी जरूरत पड़ती है हमें, है ना? तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं इसको हटा देता हूं, ये 5 टाइप के हमारे टेम्परेचर स्केल के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, और कैसे डिजाइन करते हैं ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देख लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें क्या रिलेशन होगा और फॉर्मूले को हम लोग कैसे बनाते हैं कि एक स्केल से दूसरे स्केल में हम लोग चेंज कर सकते। तो देखा हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस बाय कितना 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाय कितना 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय हम लोगों ने देखा कितना 180 और आगे जो है वो रिमर था, ठीक है, इक्वल बाय कितना 80 और रैंक टाइम के लिए आर ए माइनस 460 बाय कितना 212। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने के लिए। जनरली हम लोग किसी फार्मूले को देखते हैं,
डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाय कितना 100 इक्वल टू कितना एफ माइनस 32 बाय कितना 180। तो इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है। ये फार्मूला हम जनरली पढ़ते हैं, ये तो फार्मूले तो नहीं आते लेकिन ये दो फार्मूले आपको आना चाहिए। तो अगर डिग्री सेल्सियस से कैलविन में चेंज करता है करना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में करना है तो इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। अगर कैलविन में फारेनहाइट में करना है तो इन दोनों को चेंज कर कंपेयर कर लेते हैं, है ना। जिसको जिसमें चेंज करना होता है उस हिसाब से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो ये फार्मूला आता है निकल के किसी एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने का, है ना बच्चों। तो चलो नोट करो और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और चीजों को और भी समझने की कोशिश करें कि भाई कैसे कन्वर्ट होता है, है ना। और उसका एक छोटा सा एक सैंपल हम लोग देख लें। चलिए ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं और हम लोगों ने ये चीज देख लिया। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए 10 डिग्री सेल्सियस को कैलविन में चेंज करके, आपसे कह दे कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस इसको चेंज करिए कैलविन में करके क्या होगा, ठीक है। इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम डिग्री सेल्सियस में रखें कितना 10 बाय कितना 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाय कितना 100 और 100 कट गया तो हम लोग कैलविन पे क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू के माइनस 273 इसलिए इधर आ गया तो कितना आया भाई 10 प्लस कितना 273 इक्वल टू कितना के, तो कैलविन में वैल्यू क्या लिख सकते हैं आ गया कितना 280। सिमिलरली अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि भाई डिग्री सेल्सियस में दिया रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज करिए फारेनहाइट में, है ना, इसमें फारेनहाइट में चेंज करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करेंगे वैल्यू यहां पुट करिए तो क्या लिखेंगे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट को हम कंपेयर करें, डिग्री सेल्सियस बाय कितना है 100 इक्वल टू कितना एफ माइनस 32 बाय कितना 180, है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस रखें तो 30 बाय 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय कितना 180, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल टू कितना एफ माइनस 32 बाय कितना 18, इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 3 1 3 1 3 और 2 साथ में था 54 इक्वल टू एफ माइनस कितना 32, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको इधर लाइए 54 प्लस कितना 32 यानी कितना है 6 और 8 यानी 80 डिग्री 80 फारेनहाइट फारेनहाइट इसकी रीडिंग आ जाएगी, है ना फारेनहाइट की, ठीक है। इसको मैं इसकी रीडिंग लिख सकता हूं कितना, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 30 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिख सकता हूं 86 डिग्री फारेनहाइट। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, है ना। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आप समझ गए कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल पे, है ना। तो नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बच्चों, है ना। चलिए कुछ दिन बचा हुआ जेई मेंस में, तो बच्चों मतलब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर लो, जब भी जो भी काम करो, इस मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और साल भर बाद आपके एग्जाम है, चाहे आप ऐसा बोल रहे कि 20 दिन बाद हमारे एग्जाम है, तो ये 20 दिनों में आप इतनी मेहनत कर लो कि पूरी लाइफ में आपको फिर इस बात का रिग्रेट ना रहे कि हमने मेहनत नहीं करी थी, है ना। मतलब ये मान लो ये लास्ट चांसेस बहुत अपने को नहीं करना है, तो आप इतनी मेहनत कर लो कि फिर से एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। तो जेई मेंस अभी होने वाला है, 20 दिन बाद होना है। तो बच्चों जिन जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि ये अपनी पूरी एफर्ट डाल दो कि फिर आपको ये रिग्रेट फील ना हो वही मैंने पूरी एफर्ट नहीं डाली, है ना। तो ये 20 दिन अपना पूरा एफर्ट डालो और जितनी मेहनत हो सकता है उतनी मेहनत करो, है ना।